दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्तों मस्त होंगे। और कल ही दोस्तों ये पेंटिंग मैंने कंप्लीट किया है, और आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था तो वीडियो पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना ही पहले जैसा कोई कमेंट आया है, इसलिए दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग भूल गए होंगे। अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वाली वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी दोस्तों, तो आप लोग जरूर जाके देखना, और हो सके तो इसे कल मैं अपने आर्ट वाले चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है बस दोस्तों। उसमें श्री राम और सीता जी का पेंटिंग बनाना है, उसके बाद दोस्तों ये पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे आर्ट वाले चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे जाना है व्लॉग, वहाँ पे छोटा सा काम है वो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो चलिए उधर से फिर लौटेंगे, उसके बाद कोई पेंटिंग बनाते हैं नया और आपको भी दिखाते हैं। और इस पेंटिंग में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ काम बचा हुआ है, और बाकी तो आप फेस वगैरह देख सकते हैं कितना शानदार ये पेंटिंग बना है, काफ़ी शाइनिंग कर रहा है, और आप देख सकते हैं नीचे जो ये बॉर्डर दिख रहा होगा कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कितना शानदार मैंने बनाया है, और इसके गहनों पे जो डिटेलिंग था ना दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा है, और इसी वजह से दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया इस पेंटिंग को बनाने में। वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं होता था दोस्तों इसे पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट दोस्तों अचानक मौसम खराब हो गया, आप लोगों को फाइनल नहीं दिखाया, तो फिलहाल मैं हूँ देवीगुड़ी चौक में, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ देर रहूँगा, उसके बाद यहाँ से चलेंगे घर और फिर देखते हैं कौन सा पेंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। और दोपहर के 2 बजे हैं दोस्तों और मौसम भी खराब है, वैसे भी घर पर अभी लाइट नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं कुछ देर यहाँ पर रहेंगे उसके बाद चलेंगे। चलिए आज एक नया पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, और वो भोलेनाथ का होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्केच वगैरह कर लेता हूं दोस्तों, आपको भी दिखाऊंगा, तो चलिए आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। वैसे स्केच मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा, बट दोस्तों स्केच करके उसे कलर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फाइनली दोस्तों ये स्केच जो है कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस स्केच को कंप्लीट करते करते दोस्तों मुझे करीबन एक घंटा लग ही गया। और इस साइड दोस्तों मुझे नंदी बाबा का स्केच करना है, तो वो भी मैं अभी करूँगा। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। ये कलर हो जाएगा ना दोस्तों तो परफेक्ट और बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको इसका जो ओरिजिनल पिक है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं इसको दोस्तों रियलिस्टिक पेंट करूंगा, आप लोग देख लेना। और मेरी वीडियो अभी दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि अभी लगातार वीडियो आएंगी। आप दोस्तों लेफ्ट साइड नंदी बाबा का स्केच करना, तो उसको स्केच करेंगे, उसके बाद ये पूरा स्केच जो है कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम कलर पे आ जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मुझे जाना है देवीगुड़ी चौक, सामान वामान खरीदना है मुझे, तो उधर से लौटेंगे। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अब खिड़की खुली हुई है, आपको दिख रहा होगा, शाम हो चुकी है। और बजरंगबली की पेंटिंग मैंने पीछे रखी हुई है ताकि बैकग्राउंड जो है अच्छा आए। तो चलिए दोस्तों मैं उधर से लौटता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलूंगा।